हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, मैंने पूजा कर ली है और मैं दिखाती हूँ आज अपने लड्डू लाडली को, मैंने उनको कैसे बिठा रखा है। देख लो आप, ऐसे शॉल उड़ा उड़ा के मैंने बिठा दिया है उनको। बहुत ठंड हो रही है आज, है ना। और मैंने उनको भोग लगा दिया है, पंचमेवा का, मिश्री का और तुलसी माता। हे शुद्ध दाता, कृष्ण की प्यारी हैं इसलिए उनके पास हमेशा मैं तुलसी माता को विराजमान करके रखती हूँ। तो दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। आज मैं जो है ऐसा मैंने सोचा है कि सैटरडे है, ठीक है, और थोड़ा सा ना, देखो देख रहे हो, सुबह का टाइम है ये, मेरे पीछे देख लो आप, ये फिर मूंगफली खा रहा है और फिर बिना स्वेटर के बैठा हुआ है। हाँ, ये मतलब इसका नाना भी नहीं होता है रोज रोज। खोलू पोल कह रहा है, खोल दो। तो ये तो भैया एक एक हफ्ते नहीं नहाता है, सच में नहीं नहाता है एक एक हफ्ते। फिर जब मैं इसे बहुत गाली देती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, तब नहाने जाता है ये। सो, अभी जो है आपको चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। मैंने तो इसको धोया भी नहीं है इस चक्कर में कि भैया रहने दे, क्योंकि मैं मशीन में इसलिए डाला कभी कलर निकल जाए, क्योंकि पहली बार धोएंगे। तो आज मैं धोऊंगी, कान्हा जी के भी कपड़े हो गए हैं बहुत सारे, और कपड़े तो धुल गए वैसे, सूखने के लिए बस पड़े हुए हैं। और आज हम लोग बना रहे हैं मैगी नाश्ते में, तो आज थोड़ा सा चीट डे है, चीट वाला खाना खा लेंगे कि मैगी खा ली। मुझे मैगी ना वैसी पसंद है, या तो वेजी वाली या फिर सिर्फ हरी मिर्च डाल के जो बनाई जाती है, तो अभी मेरे लिए वही वाली बनेगी, बिना सब्जी की, सिर्फ हरी मिर्च वाली। और यहाँ देखिए मेरा नाश्ता तैयार है, मैगी हरी मिर्ची वाली। Later that same evening. और यहाँ पर प्रियंका शाम के टाइम अपनी दोस्त से मिलने गई थी, और साथ में रौनित भी है। रौनित जो है कहीं काम से गया हुआ था, तो प्रियंका ने फिर उसको वहीं बुला लिया। वहाँ से आते वक्त जो है ये लोग बाहर से पकौड़े लेकर आए थे, जो कि प्रियंका सर्व कर रही है, और ये खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, 6 महीने में एक बार क्योंकि बाहर की चीज़ें तो वही है ना, नुकसान ही करती हैं। बट ये बहुत ही यम्मी थे सच में। और यहाँ पे ना मैं अपने लिए मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अच्छी रोटी बने, बट नहीं बन पाती है। या तो सही से उसको वो नहीं कर सकती मैं, या फिर सही से सेक नहीं सकती, जल जाती है। ये बिग बॉस का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और मैं अपने आप को देख रही हूँ। पहले जो है ना मेरी ये चिन थी ना, ये बहुत मोटी थी, ऐसे होते थे, अभी ये कम हो गई है। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये मैं करती रहती हूँ खुद ही। मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि इसको ना बहुत हंसी आती है आलू की सब्जी पे, कह रही कल सुबह भी आलू, आज फिर आलू टमाटर बना लिए, मेरे को तो नहीं खानी। मैंने कहा तुझे क्या खाना, तू वो बता। तो इसके लिए फिर पनीर आया है, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ भुजी बनाने, क्योंकि पनीर की भुजी, पनीर ये सब खा के ना मैं तो बोर हो गई। आलू टमाटर की सब्जी और मक्के की रोटी, मैंने तो वो बनाई है अपने लिए। तो चलिए मैं इसके लिए ना भुजी बना देती हूँ, जरा भुर्जी, नॉट भुजी, हिंदू है ना, मतलब हिंदी हिंदुस्तानी है ना, तो कुछ लैंग्वेज को, कुछ वर्ड्स को ना तोड़ मरोड़ के कर ही देते हैं। जैसे कि हमें आई नो वेरी वेल के पारक नहीं होता, पाक होता है। हम कहेंगे पारक जाना है, चलो पारक चलते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज है ना, तो हम कुछ वर्ड्स को इस तरीके से बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ भुर्जी बनाने जा रही हूँ। अब स्टाइल मारने के लिए मैं भुर्जी बना रही हूँ। The next day. तो जी ये है नेक्स्ट डे, और दिन के बज रहे हैं 2, और हम लोग जा रहे हैं कहीं पर, जो कि हमारा बहुत ज़रूरी काम है। काम क्या है वो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही जाएगा। और ये जो रास्ते हैं ना, ये किसी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, बट मंजिल कहाँ जाके मिलेगी वो देखते हैं, वो मैं बताऊँगी आपको। और यहाँ मेरे तुलसी जी के लिए ना मुझे एक गमला लेना था, तो मैंने इस बार ना वैसा सोचा था जो तुलसी जी के लिए बनता है, जिसमें सतिया वगैरह सब कड़ा होता है ना, तो फिर मैंने लिया। यहाँ देखिए मैं ना स्टैंड का रेट पूछ रही थी, ये पता है 1500 रुपये का था, और ये जो खड़े हुए ना ये साइड में, ये 800-800 रुपये के दे रहे थे, बड़ा महंगा दे रहे थे ये लोग। और मैंने गमला लिया, मिट्टी भरवाई, और फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए।